टॉपिक है, आखिरी टॉपिक भी समझ लें आप, जो कि मौशरे के अंदर इस वक्त नासूर की तरह फैल रहा है, वो है हमारे रवैये जिनका सदभाव बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी भी जगह पर देखते हैं कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया है तो हम माँ बहन की गालियाँ देने लगते हैं, हम अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ये कितना इसका फुकदान है और क्यों हम ये करते हैं? जी हाँ, इसके सदभाव के लिए हम सबको इज्तिमाही तौर पर कोशिश करनी होगी, तालीम देनी होगी, अवेयरनेस देनी होगी, क्योंकि औरत एक माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, बेटी भी है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर समीह आथर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं और आप अक्सर हमारे शो में इन्हें देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे एक बार फिर से पाकिस्तान मॉर्निंग में। इंतहाई अहम टॉपिक है आज का, ज़रा रोशनी डालिए कि आखिर ये मामला क्या है, क्या ये कम इल्मी है या कोई बीमारी है जिसकी वजह से कोई छोटे से छोटी बड़े से बड़ा मामला हो अपनी बहनों को, माओं को, बेटियों को लोग गालियाँ देना शुरू कर देते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि इस मामले के दो पहलू हैं। एक तो वो पहलू है जिसका ताल्लुक इंसान के अपने अंदर से है, जिसमें उसको हम इस मामले को हम एक नफ्सियाती मसले के तौर पर भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ताल्लुक है वो माशरती रवायात और कल्चरल बिलीफ के साथ है, ठीक है। तो जब ये नफ्सियाती पहलू के ऊपर नजर डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो गालम गलोच करने वाला इंसान है दरअसल वो एक कमजोर और बुजदिल इंसान होता है, और वो खुद को उस सूरत हाल के अंदर खुद को कहीं वो बहुत नीचा महसूस करता होता है और अपने मद्दे मुकाबले अपने से ऊपर देखता है, ठीक है। अब अनइक्वल हो गए ना तो मुकाबला नहीं हो सकता, तो मद्दे मुकाबले को खींच कर उतना ही नीचे लाना है जितना आप खुद महसूस कर रहे हैं, ताकि अब आप इक्वल हो जाए और मुकाबला कर सकें। तो उसके लिए इंसान, किसी भी इंसान की जो कमजोरी है वो उसकी औरत होती है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो या वो बेटी हो, ठीक है ना। तो वो उसकी उस कमजोर तरीन चीज के ऊपर वार करके उस इंसान भी उतना ही कमजोर और नीचा लाना होता है। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो हम एक ही टाइम में हम अपने बच्चों को ये तरगीब दे रहे होते हैं, उन्हें ये पढ़ा रहे होते हैं कि दूसरों को गाली नहीं देनी है, अगर वो कहीं पर कहीं से सीख के आते हैं तो हम उन्हें समझाते हैं कि बेटा गाली नहीं देनी, बुरी चीज़ है, और उसी वक्त में हम लोग सेम टाइम पे हम किसी और को गालियाँ दे रहे होते हैं, तो ये क्या थॉट्स हैं माइंड में चल रही हैं? आप कर कुछ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली आप कुछ और करते हैं, लेकिन बच्चे को आप कुछ और सिखाते हैं। जी, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो आपके दिमाग के दो मुख्तलिफ हिस्सों से है। जो आप अपने बच्चे को बता रहे हैं वो चीज है जिसके ऊपर लॉजिकली आप खुद कन्विंस हैं, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये वो सारा कल्चरल जनरेशनल डेटा है जो सदियों से आपने अपने अंदर फीड किया हुआ और आप उसको चेंज किए बगैर एज इट इज लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए अपने कमजोर लम्हे के अंदर आप वही इंसान बन जाते हैं जिस रवायत को, जिस इस नासूर से। डॉक्टर साहब, किस तरह से बचा जाए इन रवैयों से, इस बीमारी से बचने का तरीका क्या हो सकता है? जी, इन रवैयों और बीमारियों से बचने के लिए देखें, बीइंग मुस्लिम्स हमारे लिए तो सबसे पहली बात है, जो सबसे बुनियादी चीज है, जो हमारे लिए मिशाल राह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह और यौम आखरत पर यकीन रखता है उसे चाहिए कि या तो अच्छी बात करे या खामोश रहे, ठीक है। आप ये देखें कि इंसान की जो जुबान से निकलने वाली गुफ्तगु है उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अकीदा आखरत से और ईमान से जोड़ दिया है, तो ईमान की फिर इंसान को हर वक्त हिफाजत की फिक्र होनी चाहिए और उसके लिए अवेयर होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए और अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाना, किसी के साथ तकरार हो जाना, बहस हो जाना, ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई है, और इन हालात में रहते हुए आपको किस तरीके से आप बहस कर सकते हैं, आप लड़ाई कर सकते हैं, आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपनी जबान को साफ रखते शाइस्ता रखते हुए मतलब ये अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है जो आप खो देते हैं और आपकी जबान जो है वो मुगलेजात बकना शुरू हो जाती है, आपकी जबान पर अब्यूज़ जो है वो आना शुरू हो जाता है, आप दूसरे को गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या सेल्फ कंट्रोल भी है जो आपका आप खो देते हैं लड़ाई झगड़े के दौरान? जी जी, इसके अंदर जैसे मैंने आपको कहा ना कि इसमें हमें दो मुख्तलिफ जावियों पे काम करने की ज़रूरत है, एक तो उस इंसान की अपनी ज़ात है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें मैंने कहा कि सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है और इंसान का अपने बारे में कॉन्शियस होना मौजूद है। दूसरी चीज़ है जो बेसिकली ये चीज़ आ रही है कल्चरली आ रही है ये और ये तारीखी तौर पर आ रही है,
कि जो भी पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर मर्दों को जो है वो बेहतर समझा जाता है और औरतों को जो है वो मर्दों की मलकियत समझा जाता है, तो वहाँ पर औरतों के ऊपर वार करके, उनके किरदार के ऊपर वार करके बुनियादी तौर पर उस मर्द को कमज़ोर साबित करना होता है या उस खानदान को या उस ग्रुप ऑफ पीपल को, क्योंकि औरत क्या है, औरत ही गोद में माशरा जन्म लेता है ना, औरत ही गोद में अखलाकी इकदार जन्म लेती है, औरत ही गोद में उस कौम का, उस ग्रुप ऑफ पीपल का, उस खानदान का सरबराह जन्म लेता है। ठीक है, तो जब औरत के किरदार पे वार किया गया तो असल में इन सबको क्वेश्चन कर लिया गया ना, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी कुछ जो रवायात है उनको भी चेंज करने की जरूरत है। हम लोग आमतौर पर ये सुनते भी हैं और कहते भी हैं कि माँ बहनें बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं, लेकिन जब हम गालियाँ देते हैं तो उस वक्त हम इस सांझपन को का ख्याल नहीं रखते हैं और हम फिर उस लेवल पर आकर गालियाँ देते हैं। आप नहीं समझती कहीं ना कहीं तरबियत का भी फुकदान है, तालीम का भी फुकदान है? आपने ठीक कहा, हम दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, करते क्यों हैं? तालीम का फुकदान है, तरबियत का फुकदान है, क्या समझती हैं? इसमें हम ये कहेंगे कि शऊर का फुकदान है। ठीक है, क्योंकि हम एक बेशऊरी की कैफियत में जिंदा है, अगरचे कि हमारे हाथ में तालीमी एतबार से अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो लोग इस तरह के जबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके पास शायद बड़ी बड़ी डिग्रियों के कागज के टुकड़े होते हैं, लेकिन उनकी सोच जाहिलियत वाली होती है। ठीक है, तो इस बेसिकली ये वो तालीम जो इंसान को शऊर नहीं देती उसको जहालत कहा गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, माँ की तरबियत कहते हैं बड़ा असरअंदाज होती है बच्चे के ऊपर। माँ अगर बच्चे को गालियाँ दे रही है बचपन में, कहीं पर कहीं ना कहीं उसके सामने दूसरों को गालियाँ दे रही है, तो बच्चा उसको अडॉप्ट तो करेगा ना कहीं तरबियत का भी तो फुकदान समझें आप इसको, कि तरबियत अगर करने वाली माँ ही आपके सामने आपकी रोल मॉडल है तो आप गालियाँ देना कैसे सीख सकते हैं? हाँ, इसके अंदर मैं अर्ज करती चलूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा किरदार माँ के बजाय बाप का होता है, क्योंकि अगर आप ये देखें तो जो फैमिली डायनामिक्स है उसके अंदर बाप जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाप ज़्यादा एम्पावर्ड होता है। ठीक है, तो अगर बच्चे को सामने बाप उनकी माँ के साथ बदजुबानी कर रहा है, ठीक है, तो बच्चा तो यही सीखेगा ना फिर कि उसके लिए तो ये एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर बन जाएगा ना। जब उसके सामने उसका बाप उसकी माँ से बदसलूकी कर रहा है, बदजुबानी कर रहा है, तो उसके लिए चाहे वो वर्बल तो ये नॉर्मल बात हो जाए। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि हम डंडे के आगे हमेशा सीधे होते हैं, तो जरा सजाओं से मुतल्लिक भी बताएगा कि हमारा दीन, अगर हम मुगलिसात बकते हैं या माओं बहनों को गालियाँ देते हैं किसी भी लड़ाई की सूरत में, तो उस सूरत में कितनी सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है, हमारा दीन इसमें क्या कहता है? देखिए, इसके ऊपर जो हुदूदुल्लाह है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक वईद आ जाए, ठीक है, तो वो अपने आप में एक पनिशेबल एक्ट बन जाता है ना। अब इसके ऊपर जो कानून साजी होती है वो फिर आप देखें कि वो हर मुल्क के अपने अंदर होती है, ठीक है, और जैसे अभी उन्होंने पाकिस्तान में ये रिसेंटली कानून पास किया गया है कि अगर कोई औरत को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करता है, ठीक है, तो वो औरत जा सकती है, कानून की मदद ले सकती है और उस इंसान को कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक की सजा हो सकती है। ठीक है, तो जी, तो ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर साहिबा ख़वातीन घर के अंदर तशद्दुद भी बर्दाश्त करती हैं, नामुनासिब ज़बान भी इस्तेमाल करती हैं, और जो कुछ ऐसे मर्द हज़रात हैं वो बेदरेग इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जो कि बच्चों के लिए भी ज़ाहिर है मुनासिब नहीं है, जो बच्चे सीख रहे होते हैं, उन ख़वातीन का क्या किरदार होना चाहिए, कब तक उन्हें ये ज़बान सहनी चाहिए और कब उसका जो है जवाब देना चाहिए कि बस अब बहुत हुआ, मेरे बच्चों के ऊपर भी इसका इम्पेक्ट गलत पड़ रहा है, मुझे इसका सदबाब खुद करना होगा? असल में देखें, निपट इवल इन द बर्ड, ठीक है, जब जब ये मामला शुरू हो ना और उसी वक्त इसकी रोकथाम कर ली जाए तो बहुत तहम्मुल से भी बात की जा सकती है। ठीक है, आप अपने इंसान को आराम इत्मीनान सुकून से गुस्से में जाए बगैर और उसको ह्यूमिलिएट के बगैर आप असर्टिव, जिसको हम असर्टिवनेस कहते हैं, असर्टिव लैंग्वेज कहते हैं या असर्टिव बिहेवियर कहते हैं, इसके साथ आप इंसान तक अपना ख्याल पहुंचा सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन होता ये है कि हम शुरू के अंदर में इसको बर्दाश्त करते हैं, ठीक है, और हम सोचते हैं कि अच्छा हम और खिदमत करें या हम और अच्छे हो जाएं या हम और बर्दाश्त कर लें तो शायद चीजें बदल जाएंगी, लेकिन होता उसका नतीजा उलट निकलता है। जितना हम बर्दाश्त करते हैं हमारे अंदर अंदर एंगर फाइल अप होता है, और जब बोलते हैं बेसिकली हम उस एंगर को ब्लास्ट करते हैं, राइट, तो ये बेसिक हम
पैसिव अग्रेसिव हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये तशद्दुद की जो रुख इख्तियार कर जाता है, तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर जाता है, मारपीट उसके बाद सामने आती है, जो फिजिकल तशद्दुद है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप समझती हैं खवातीन को खुद खड़ा होने की ज़रूरत है, खुद अपने लिए मजबूत होने की जरूरत है, अपने बच्चों के लिए मजबूत होने की जरूरत है? जी जी, और बिल्कुल खवातीन को अपने लिए खुद स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और ये स्टैंड जो है, आप ये मत समझे कि जब हम ये बात करते हैं कि खवातीन को अपने लिए खुद स्टैंड लेने की ज़रूरत है तो इसका मतलब कोई दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, कोई सेपरेशन, कोई घर का टूटना है, बल्कि खवातीन को अगर हर औरत अपने एंड के ऊपर कुछ चीज़ें सीख ले, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स सीख ले, जिनको जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि एक असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, तो अगर आप इसको सीख ले, अगर आप खुद से भी इसको सीख सकते हैं, आजकल तो बहुत कुछ मटेरियल मौजूद है, तो आपको अगले इंसान तक अपने दलाल से अपने बात जाने के लिए आप खामोशी भी इख्तियार कर सकते हैं। खामोशी एक बड़ा हथियार है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे सामीन, हमारे देखने वाले नाज़रीन इस बात पे अमल करेंगे और हमारे माशरे के अंदर ये जो नासूर की तरह चीज़ फैल चुकी है, गालम गलोच करना और ख़ासतौर पे गालियों के अंदर अपनी माओं, बहनों, बेटियों का नाम इस्तेमाल करना या उन्हें मुखातिब करना, ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है, सिर्फ जुर्माने से नहीं, अपने वालिदैन को भी तरबियत देनी होगी बच्चों को इसके खात्मे के लिए और अपने घर से इसका आगाज़ करना।